Satnam, 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 Vaheguru, 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 Satguru Nanak Prakateya, Mittitund Jag Chanan Hoa. Jyon Kar Suraj Nikalya. Baat Purani Hai. 1946 की बरसात देश में कहर बरसा रही थी। देश के आंगन और सांझे चूल्हे बटने की तैयारी में थे। बुझी बुझी राख के नीचे चिंगारियां सुलग रही थी। अभी कहीं देश जल रहा था, कहीं जलने की तैयारी में था। पंजाब भी उससे अछूता न था। ये तो बंटवारे की सिर्फ शुरुआत थी। जिन मासूम हाथों ने अलिफ बे लिखना सीखना शुरू ही किया था, वो भी गुस्से और नफरत की आग में झोंक दिए गए। पर जिंदगी दरिया की तरह अपनी राह खोज लेती है, उसी की ये एक कहानी है। इस कहानी के सिर्फ किरदारों के नाम झूठे हैं, बाकी कोरी सच्चाई है। ओ तरलोके, जरा कसके कसके। ओ करतारे, 11 बज गए क्या? हाँ हाँ बज गए। ओ मैं मर गया यार। ओए खोते दे पुत्तर।
तेरी ते मैं छड़ रुक जा सॉरी ते बच्चे जाना किथे है बच के जरा बच के तेरी ते मैं और तू की सोच रहा मैं तेरी छड़ गया और रुक जा नहीं तो मर जाएगा ओए मर जाएगा खोत्या मर जाएगा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ओए क्या हुआ तिलोगे नहीं रुकेगा ले मैं आना फिर भाग और कि ना भागे अपा ओ तेरी ते मैं छड़ तू की समझता मैं तेरी छड़ देगा और रुक ओ मामा अब तो वंदे मातरम बोल दे ओए छड्डंगा नी तन्नू मैं रोक तेरी जान अभी भी पता नहीं तुम्हारे घर के चराग का सूरज सर पर चढ़ा है और उसकी खबर नहीं आता ही होगा इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है रेडी प्लीज हां थोड़ा मुस्कुराइए नाइस ओके देश का हाथ बटा रहा है मेरा हाथ बटाने के लिए वक्त नहीं उसके पास सारे वकीलों ने मिलकर नौजवानों को उल्टे रास्ते पर चढ़ा रखा है सत श्री अकाल पाजी सत श्री अकाल एक हवलदार को छका कह रहा हूं जरा ध्यान रखना कोई गल नहीं जी आ गया तेरा लॉर्ड साहब स्माइल प्लीज अब लॉर्ड माउंटबेटन से पूछ लो कि उसके पास अपनी बहन की शादी में आने का समय है कि नहीं है लॉर्ड माउंटबेटन की बहन की भी शादी है क्या बेवकूफ तेरे बेटे की बात कर रहा हूं ओह एक बार बात तय हो जाने दीजिए आ जाएगा सुन रहे हो ना भैया तुम्हारे कारण मां सुबह से सुन रही है नहीं कुगिए हमारा बाप एक पुराना घिसा हुआ रिकॉर्ड है जिसकी सुई अटक गई तो अटक गई हाय बुलाओ बाऊजी को बाऊजी ऐसा न कर मेरी दुर्गा आ ना 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 बाऊजी भैया कह रहे हैं कि तू नहीं मेरे लिए चाय बना दे इन अंग्रेजों ने मुफ्त में चाय पिला पिला के नौजवानों को गुमराह कर दिया है खबरदार जो इस घर में चाय आई तो लो वक्त रहते ही आ जाना भैया वरना सारी जिंदगी तुम्हें उलाहना देती रहूंगी ए तू भी ना मुझे अपने बाप की तरह गैर जिम्मेदार आदमी समझती है तू गांव पहुंच तो मैं तेरे पीछे पीछे घोड़ी पे चढ़ दौड़ाऊंगा हाय हाय तो तेरे लिए भी ला दूं एक गोरी मैम अपने बाप से पूछ ले लो पूछ लेते हैं जी बाऊ जी भैया बर्तानिया के मशहूर कलाबाजों के क्या बात है साहू जी आज बड़ी खरीदारी हो रही है लाला जी बरसों बाद गांव जा रहा हूं बड़ा परिवार है बेटी भी सयानी हो रही है जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है ना साहू जी शहर अमृतसर लिखूं या छतोआनी पुरखों की जमीन तो छतोआनी में रही है वही लिख दे आगे तकदीर जहां ले जाए और दिखाओ जरा अम्मा ये बाऊजी ने भिजवाया है अब और कितना समय लगेगा तुम्हारे बाऊजी को फूलचंद बस अम्मा आ ही रहे हैं जी दुनिया में धूम मचाने के बाद बस 12 आने दे दीजिए साहू जी हिसाब तो ठीक रहा साहू जी अब ये 4 आने मेरी ओर से बिटिया रानी के हाथ में दे दीजिएगा शगुन के तौर लाला जी अपने ही हाथों दे देना देखिए व्यापार और व्यवहार में मैं देरी नहीं करता साहू जी जब बिटिया रानी अपने घर लौटेगी तो आशीष देने जरूर आऊंगा ये रखिए राम 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 मोटी मोटी खरीदारी तो हो गई है अब गुड़ और घी छतवानी से ले लेना आप उसकी चिंता मत करो जी बस छतवानी पहुंचते ही लड़का देखो ठीक लगे तो उसी वक्त गुड़ और रुपए देकर बात पक्की कर लेना हा? इस बार तो मैं पूरों का पार उतार के ही लौटूंगा आगे रब की इच्छा चलो नमस्ते कुगी 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 जय हिंद बड़े भैया जय हिंद जय हिंद कुगी दिखाई नहीं दे रही कुगी यहीं कहीं उड़ रही होगी बेटिया बेटा जरा देखना पुरु के बाऊजी को कुछ चाहिए तो नहीं मैं क्या पैरी पहना चाची जिंदा रहे पुत्र पूरा बापू का चेला बन गया कुगी कुगी कहाँ थी तू मैं तो यही हूँ भैया मेरी
सोनी कुगी, मेरा एक काम करना। हाँ जी। अपने वो बुर्जुआ बाप से कुछ पैसे निकलवा। देख वैसे भी उन्होंने आज पूरा लंगर खोल रखा है, तू कोशिश करेगी ना तो मेरी पार्टी को कुछ चंदा मिल जाएगा। मेरे बाप को बुर्जुआ कहा तुमने? कुकी कुकी बाबूजी, इस कुक में जितने सारे रुपए हो मेरे हाथ पर रख दीजिए। अरे ये तो बहुत सारे रुपए हैं। मेरी खुशी के लिए कितने दे सकते हैं बाबूजी? ये ले, सारे रख ले। हाँ, सच? ये तो सचमुच ले गई। ओए कहो भैया, चंदा लंगर में लुटा दो। अभी बच्चे की तारीफ पहले से मेरे उड़ना चाहती है बिटिया उड़ ले, ससुराल में ऐसे नहीं उड़ पाएगी।
कितनी देर लगा रही है दोनों। रज्जू जरा पूरो और अपने बाबूजी को आवाज देना। पूरो बाबूजी। कुकी मेरे पहुंचे बिना तो फिरे ना ले। वादा कर। पूरो पुत्र, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पूरो पुत्र, देर हो रही है जी। चल। पूरो इम्तिहान की तारीख पक्की होते ही तार दे देना। इस बार इम्तिहान छोड़ने भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, पर शादी से पहले पहुंच जाना। रख, चंदे में मत दे देना। वेरी गुड भाई, अपना ध्यान रखना। वेरी बेना जूनियर। छत्तवानी आकर? अच्छा, तुम्हारे अमृतसर जितना बड़ा नहीं है हमारा छत्तवानी, इसीलिए तो और भी अच्छा लगता है। खाली खाली गलियां, इक्के दुक्के लोग, दूर दूर तक खेत और पलक झपकते ही गांव के इस छोर से उस छोर तक। सिर्फ इसलिए या और भी कोई बात है? और क्या बात हो सकती है? क्यों, तुम्हारी अम्मा यहाँ रहकर तुम्हारे लिए दूल्हा नहीं ढूंढ रही? पूरो के बापू से कह दो, लड़के का नाम रामचंद है, रत्तोवाल के हैं, मेरे रिश्ते में भी हैं, बहुत भले घर के लोग हैं, इकलौता लड़का है, अरे खूब सारी जमीन और बड़ा सा घर है, अरे रोशनी के तो लाटू जलते हैं उनके घर में, विलायती तेल से बिजली बनाते हैं, लड़का दिखने में भी बहुत सुंदर है, तेरी पूरो राज करेगी राज। देख, मन को भाई तो हाँ कहना, नहीं तो लड़कों की क्या कमी है? तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? बात चलाने में तो कोई हर्ज नहीं, अपने कुटुंबी भाइयों में से किसी को ले जाकर लड़का दिखाइए, रत्तोवाल पास ही तो है, अगर लड़का पसंद आ गया तो बात पक्की कर लेना, पूरो का कुछ हो जाए तो मैं अपना काम भी निपटा लूं। अब तुझे क्या काम होना है? गांव की लोगाइयां विधि माता की पूजा करने को कह रही है, कहती हैं कि अगर विधि माता प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके जरूर लड़का होगा। हाय मोने, अमृतसर में तो गोरे गोरे अफसर दिखाई पड़ते होंगे। हाँ कभी कभी। अरे सुना है उनकी मेमें बड़ी सोनी होती हैं। परत के हाथ में हाथ डाल के चलती हैं। ये तो उनका अपना रीति रिवाज है। अरे खाक डालो उनके रीति रिवाजों पर, धर्म भ्रष्ट करके रख दिया हमारा। ए मोहने, तैने महात्मा जी को देखा है? नहीं। सुना है घुटनों तक की धोती पहने, ऊपर कुछ भी नहीं और गोरे उनसे डरे। महात्मा जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और सारा देश उनके पीछे। लो भाई आ गया अपने रत्तोवाल जी नजदीक, दाना मोड़ ले भाई। रामचंद की माँ, सुनती हो? कितनी बार कह चुकी हूँ जब बेटा बेटी सुर लगा रहे हो तो धीरे बोला करो। ओह, पर कैसा लग रहा हूँ? हे राम, लड़की वाले तुम्हारे बेटे के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा अच्छा, पर तुम ही तो बार बार टोका करती हो कि। ठीक है ठीक है, अपनी शादी वाला कोट पहनो, वो जो मेरे पिताजी ने तुम्हें दिया था, वरना तुम्हारे यहाँ तो।
सीता को देखे सारा गांव आग पे कैसे धरेगी पांव, बच जाए तो देवी माँ है, जल जाए तो पापन। जिसका रूप जगत की ठंडक अग्नि, उसका दर्पण। सब जो चाहे सोचे समझे, लेकिन वो भगवान। सब जो चाहे सोचे समझे, लेकिन वो भगवान। वो तो खोट कपट के बैरी, वो कैसे नादान, वो कैसे नादान। संगत में आया, उस दिन से संगत में आया, सचमुच का वनवास, सचमुच का वनवास, सचमुच का वनवास। हालात कितने ही खराब क्यों ना हो मोहनलाल जी, देश ऐसे ही नहीं बढ़ते, मुट्ठी भर लोग दोनों कौमों को अलग नहीं कर सकते। जी वो तो। सचिकाल जी, सचिकाल। आजा आजा, बैठ। ये जी मेरा बेटा रामचंद, लाहौर कॉलेज से चिट्ठी आ चुकी, लेकिन इसका कहना है कि यहीं गांव में ही पढ़ाऊंगा। अरे मोने, लगता है तेरे भाग में बापू के चेले ही लिखे हैं। इन दिनों क्या कर रहे हो बेटे? जी वाल्मीकि रामायण का उर्दू में अनुवाद कर रहा हूँ। कालिदास की शकुंतला का उर्दू में अनुवाद कर चुका है और अब ठान रखी है कि गालिब की कुछ नज़मों को संस्कृत में करके ही छोड़ेगा। अरे भाई, तू सिर्फ ज़बान ही बदल रहा है ना, किरदारों के मज़हब तो नहीं बदल रहा? मेरे लिए वाल्मीकि, कालिदास और गालिब का एक ही मज़हब है, सिर्फ उनकी ज़बान अलग है। हर युग में उन्होंने अपने युग का सच ही बोला है। मान गए भाई, पर भले आदमी थोड़ी सी शायरी पंजाबी में भी कर लिया कर, जिससे हमें एग्रीकल्चर वालों को भी कल्चर की समझ आ जाए। मोहनलाल जी, मानिकलाल जी की फुलझड़ियां तो छूटती रहेंगी, अब आप कहिए। जी मुझे तो लड़का पसंद है। शाहजी, आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ अदला बदली से संबंध होते हैं। आपके घर की बच्ची हमारे घर आएगी और हमारे घर की एक बच्ची आपके घर जाएगी। सुना है आपके भी शादी लायक एक बड़ा लड़का है। जी वकालत पड़ रहा है अभी। तो जी हमारी छोटी बच्ची के साथ उसका संबंध मंजूर हो तो आज से हमारा बेटा आपका हुआ ना। हमें कोई जल्दी नहीं है जवाब की? जी ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो दोनों रिश्ते मंजूर हैं। ये हुई ना कोई बात? अरे मंगवाइए गुड़ और रखिए लड़के के हाथ में शकुन के रुपए। चल शाबाश, चल चल, बहुत अच्छे, शाबाश, चल 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 चल। के मोरनियों सोनियों, सवार नया नया है, जो टक्कर हो गई तो बड़ा नुकसान होगा तुम्हारा।
खेलते खेलते पानी में भीग गई थी, सुखा रहे थे कि अचानक। पूरो चल जल्दी, क्या देर हो रही है। कहा था ना मत दौड़ाइयो, पर सुनता कौन है। साहब को एक ही दिन में सीखने की धुन सवार है, अगर साइकिल को कुछ हो जाता ना तो चाचा जान ले लेता। चल चल। तुम्हारी वजह से मैं गिर गया। आए हैं नाचने जाने आंगन टेढ़ा, साइकिल चलाने आते नहीं तो चलाते क्यों। चलो लाओ मेरी चुन्नी और हट पर। बस थोड़ी देर और था ना बस। तारा, विधि माता ने तेरी सुन ली। भाई जी लड़का हुआ है। हाँ, क्यों? तुझसे एक बात पूछूं? पूछ। तेरी कुड़माई हो गई? हाँ मेरी तो हो गई। फिर मेरा क्या होगा रांझे? वैसे नाक तो तेरी ठीक ही दिखाई देती है, अगर तू कहे तो अपने छोटे भाई लखन से तेरी बात चला दूं। पर हट मोए, क्या मैं तुझे शुरू में का दिखा देती हूँ? ये तो नाक कटवाने के बाद ही पता चलेगा। बड़ा ढीठ है तू। जानकी से तो मिलता जा। तो कह दे अपनी सखी जानकी से कि एक बार फिर सोच ले, राम और जानकी के भाग्य में वनवास भी लिखा था। सुन लिया उल्टे हाथ रामायण लिखने वाले की बात। इस रामचंद के लिए ये जानकी वनवास तो क्या, आग का दरिया भी पार कर जाएगी। ओ पुत्र, छत्तवानी से जाके हमें भूल तो नहीं ना जाओगी? नहीं चाचा। जिंदी रह पुत्र। नमस्ते। सत श्री अकाल। ओ बंता श्याम, ओ कोई टोका टुका कट ला। रशीदे, लौंडिया के इर्द गिर्द चक्कर ही लगाता रहेगा या कुछ करेगा भी? चचा ठीक से मौका नहीं बन पा रहा है। और कोई बात तो नहीं है ना? और क्या बात होगी चचा? हिम्मत ना पड़ रही हो तो कह दो मियाँ, साली को मैं देख लेता हूं। मैंने सबसे वादा किया है, पूरा ना करूं तो कहना। हाँ।
पूरो। जी माँ। देख बेटा, घर में दूसरी साग भाजी नहीं है। तेरे ससुराल से कोई भी नाप लेने किसी भी समय आ सकता है। जरा छोटी को लेकर पास वाले खेतों से चार भिंडियां तोड़ ला। और हाँ, चावलों की एक मुट्ठी और गुड़ डालकर मीठे चावल भी चढ़ा दे। जी माँ। क्या हुआ बेटा? जी कुछ नहीं, अभी लाती हूँ, चल। रजो, तू चल, जल्दी जल्दी चल। पता नहीं क्यों धीरे धीरे चलती रहती है। तू डर क्यों रही है? चल। कहाँ जा रहे हैं पूरो के बापू? थाने ग्रंथी साहब से भी बात करके देखता हूँ, शायद वही कोई रास्ता बताएं। हिंदुओं को भी विश्वास। अस्सलाम वालेकुम। जो अपनी लौंडिया की खैरियत चाहते हो तो मेरे साथ चलो। दरवाजा बंद कर ले।
बैठिए। साहू जी, बरसों का पुराना हिसाब अब बराबर हो गया। सोच चुकता होते ही आपकी लौंडिया भेज दी जाएगी। आप चाहें तो थाने में रपट लिखा सकते हैं। हमारे घर में और भी जवान लड़के हैं। अब आपकी खैरियत इसी में है कि आप चुप रहें, वरना आप चाहें तो ढिंढोरा हम पीट देंगे। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। असलम, इन्हें दरवाजे तक छोड़ दो। चलिए। देखिए, ज्यादा है कि नहीं? देखिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आपका थूका चाट लूंगा। मेरी बच्ची लौटा दो, मेरी बच्ची लौटा दो। तेरी पुरु गई, मर गई तेरी पुरु। होश में आ पुरु, होश में आ। अल्लाह, एक बार होश में आ पूरा, होश में आ। देख, मैं समय रहते आ गया। पूरो, रज्जो, अब तक पूरों की कोई खबर आई? कहां जा रहा है तू? थाने, थानेदार से बात करके देखता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। पागल हो गया तू? एक आध रोज में दूर दराज के मेहमान घर में इकट्ठा हो जाएंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें? यानी बेटा, बेटा एक बार घर में ब्याह की मेहंदी हल्दी रच जाती है तब किसी भी हालत में ब्याह टल नहीं सकता, यही रिवाज है। माँ, तू किसके ब्याह की बात कर रही है? अब अगर छोटी की भी करनी पड़े तब भी इस घर से डोली जरूर निकलेगी। माँ, बाऊजी क्या हो गया आप लोगों को? एक और पूरो लापता है और आप? मर गई पूरो हमारे लिए,
मिल भी गई तो कौन ब्याह करेगा उससे? कहां उसे सारी जिंदगी कंधे पर उठाकर घूमता रहूंगा? तीन बेटियों का बाप हूं मैं, एक तो कहीं अपने भाग से, इन दोनों का क्या करूंगा? अरे जिसकी बेटी उठा ली जाती है उसकी इज्जत उठ जाती है। अगर आज इसके हाथ पीले नहीं किए तो कल हमारे घर की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। बाबूजी, ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं। अरे तू मुझे सलाह मत दे, मैं दुश्मन हूं अपनी बेटी का? मेरा साथ देने के बजाय बहस करता है मुझसे। आज बात को टाल दूंगा तो बात तभी रह जाएगी। और आप समझते हैं कि लोग इतने भोले हैं कि वो आपसे नहीं पूछेंगे कि पूरो कहाँ है? कह दूंगा, हैजा हो गया था, हालत खराब थी, लाहौर भेज दिया। नहीं तो तू ही कोई इससे अच्छा झूठ सोचा। अब तो झूठ के सहारे ही दिन कटे होंगे। नहीं बाबूजी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं पूरो को ढूंढ कर ही दम लूंगा। खबरदार, जो मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम रखा तो मैं जहर पी लूंगा। मुझे फूंक दे, उसके बाद जो तेरे जी में आए कर। बेटा, 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 मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, आज अपने बाप का मान रख ले। बेटा तुम दोनों को समधी जी के पास जाना है, वो लोग बारात की तैयारियां कर रहे होंगे। तुम दोनों बाप बेटा ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें उन्हें क्या कहना है कि ये घड़ी टल जाए। एक बार छोटी के हाथ पीले हो जाए उसके बाद जो तेरे जी में आए करना। है? मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, आज अपने बाप की इज्जत रख ले पुत्र। बाबूजी, छत्तूवानी में ही रहता हूं। मुझे यहां क्यों ले आए? फिर कभी बताऊंगा। Thank you.
बजती तितलियां। आजा बेटी, गरम गरम खा ले। जी बाद में खा लूंगी। अरे अब क्या हुआ बिटिया, जब से आया हूँ तब से खाऊं खाऊं कर रही थी। सस्त्री अकाल जी। सस्त्री अकाल, शाहजी अंदर है? हाँ जी अंदर है, आओ जी। तू बाहर ही रहे। देखो ना भैया, मेरा कोई काम ही नहीं कर रहा। क्या काम है तेरा? मुझे जलेबी खानी है। तो जाकर खा ले। कोई खिलाए तो खाऊ ना। क्यों, खुद नहीं खा सकती क्या? दिखाई नहीं दे रहा, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। तो ये बात है। देख, जो तू बच्ची होती तो मैं जरूर खिला देता, पर अब अपने हाथों से तो तुझे सिर्फ तेरा वही खिला सकता है ना। भैया मैं अभी भी बच्ची हूँ और नहीं होना मुझे बड़ी। लाजो, कोई तुझसे मिलने आया है, वहाँ आंगन में बैठा है, जल्दी आ जा। भला मुझसे मिलने कौन आ सकता है? जी कहिए, कौन है आप? ये जीजी क्या कर रहे हैं? और आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये जरा लटे हटा दीजिए। हाय राम, ये लड़की को तो देखो कैसे बातें कर रही है अपने उससे। राजू, ये तेरे त्रिलोक जी हैं। आइए आइए त्रिलोक जी। अरे लाजो, शर्मी, उसकी बात का बुरा ना मानना भाई जी, अभी वो बच्ची है। कब आए आप? बस अभी। आइए भीतर चलते। क्यों बेकार में हवा में टक्करे मारती हो? चलो बेहतर चलो, कुछ मुंह में डाल लो, तुमने दो दिन से कुछ खाया नहीं है। मुझ पर रहम कर, मुझे मेरे घर छोड़ा। तो फिर मेरे दिल क्या कौन मुझे आएगा पूरा? रशीद, रशीद, हाँ छोड़ क्यों, मैं तेरे प्यार बढ़ती हूँ तेरे मुझे। अरे छोड़ा, अपने खुदा से डर रशीद, अपने खुदा से डर, तेरे घर में भी माँ बहने होंगी। आपके पैरों में महाराज, क्या कर रहे हैं शादी? हमारी भी बेटियां हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए 40 तोले सोना और 20,000 रुपए नगद दे सकता हूं। आप
बस हाँ कर दीजिए। आपकी क्या सलाह बड़े भाई साहब? एक बार रामचंद्र और उसकी मां से पूछकर देख लें। नहीं बाबूजी, ईश्वर किसी को भी यह दिन ना दिखाए, पर आप जरा सोच कर देखिए, जब जब वो मुझे देखेंगे उन्हें अपनी बड़ी बेटी याद आएगी। उसकी अपनी छोटी बहन जब मुझे देखेगी तो क्या सोचेगी, कि मैं उसका होने वाला जीजा था? नहीं बाबूजी, ये रिश्ता उनकी अपनी छोटी बेटी के लिए ठीक ना होगा। बात तो रामचंद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। कहाँ ठीक कह रहा है, इससे तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बाबूजी मैं एक बात कहूं। कह। बाबूजी, ताऊजी का बेटा किरपाल भी मेरी उम्र का है, क्यों ना? और अगर बड़े भाई साहब ना माने तो? कैसे नहीं मानेंगे जीजी, मैं बात करूंगी, अपनी बेटी दे रही हूँ, अपने जिगर का टुकड़ा। ओए ओए ना ना, रहने दे, मैं ही बात करता हूँ। सुनिए जी, एक धेला बिना उनसे लेना और कहना कि उंगलियों पर गिन सके इतने ही बराती आएंगे, वो भी मुट्ठी भरी आए। उनकी अमावस हो तो हम पूनम नहीं मनाएंगे। जीजा जी, शाहजी ने आपको उस कमरे में बुलाया है। मोहनलाल जी, मैं अपने बेटे किरपाल की बात आपकी छोटी बच्ची रज्जू के लिए पक्की करता हूँ, पर पहले आप त्रिलोक की बारात ले आएं, फिर हम बारात ले आते हैं। कहिए, मंजूर है? मुझे मंजूर है। जनाब, यह भी तो हो सकता है कि वो लड़की अपने यार के साथ खुद ही भाग गई होगी। जनाब, मैं समझता हूं कि आपको तहकीकात करनी चाहिए। ओए, ये तू हमें समझाएगा कि हमें क्या करना चाहिए? लौंडे, ओए ये लीडरी कहीं और जाके झाड़ना, समझे? जनाब, मुझे मजबूरन आपके आला अफसरों से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। ओए, तू जाके लाड साहब से शिकायत कर देना, यहाँ कौन आता है? ओ मियाँ, इन साहब की शिकायत लिख लो और इन्हें यहां से चलता करो, समझे? जाइए। त्रिलोके, त्रिलोके। पैरी पाना बाबूजी। जिंदी रो पुत्र, त्रिलोका कहाँ है? जी वो कोतवाली गए हैं। मना किया था मैंने उससे। कल सवेरे नहा धोकर तैयार हो जाना, मौलवी आके निकाह पढ़ा देगा। मुझ पर रहम कर रशीद। देखो पुरो, होना हुआ ना कुछ नहीं है, बेकार मेरे सिर पर गुनाहों का बोझ न लादो। कसम अल्लाह पे आके मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। तुझे तेरे अल्लाह की कसम है, मुझे सच सच बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पुरो, हमारा संबंध कोई पिछला लेना देना ही है, तुम्हें इन बातों से क्या मिलेगा? जो हो गया सो हो गया,
मैं तुम्हें सारी उम्र कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे मेरी इतनी फिक्र है तो बता दो क्यों नहीं? पुरु, हमारे शेखों के घराने और तुम्हारे शाहों के घराने में दादा परदादा के समय से बैर चला आ रहा है। तुम्हारे दादा ने 500 रुपए में गिरवी रखे हुए मकान पर ब्याज दर ब्याज लगाया था और कुर्की कराकर शेखों के घराने को घर से बेघर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मुंशियों कारिंदों ने हमारे घर की औरतों को बोल को बोल कहे थे। तुम्हारे दादा के बड़े लड़के ने मेरे दादा की बड़ी लड़की को जबरदस्ती 3 रात अपने घर में रखा। यह सब मेरे दादा के देखते देखते हुआ, पर उस समय शेखों का घराना पेरे हुए गन्ने की भांति था। सब खून के आंसू पीकर रह गए, पर मेरे दादा ने मेरे चाचा ताऊ और मेरे अब्बा को कुरान उठाकर कसमें दिलवाई थी कि वे इसका बदला लेकर ही रहेंगे। उसकी अगली पीढ़ी के समय बात सो गई। अब जब तुम्हारा काज इसी गांव में रचा जाने लगा तो मेरे चाचा ताऊ के खून में बदला खोलने लगा। उन्होंने मुझे कसमें दिलवाई, मेरे खून को ललकारा, मुझसे कॉल कराए कि मैं शाहों की लड़की को ब्याह के पहले ही किसी दिन उठा लाऊं। पुरु, पहले ही दिन जब मैंने तुम्हें देखा, खुदा गवाह है, मुझे तुमसे इश्क हो गया। एक तरफ मेरी मोहब्बत का जोर, दूसरी मेरी पीठ पर सारा घराना। मैं तुम्हें उठा लाया, पर मुझसे कसम ले लो, मुझसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता। तेरी बुआ को मेरे ताऊ ने उठाया, रशीद, इसमें मेरी क्या गलती? तुझे मुझे कहेगा नहीं छोड़ा। यही तो मैं भी कहता था, पर मेरे चाचा मुझ पर फटकार बरसाते थे। तो उनके उकसाने से तूने मुझे मार डाला। पुरु, मैं तुम्हारी आगे दुनिया की सारी नेमतें लाला के रखूंगा। मैं तुम्हारे ताऊ की तरह नहीं जो 3 रातों के बाद बेचारी औरत को धक्का दे दो। मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दे मुझे। ओ नेकबख्त, अब उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उनकी बिरादरी का कौन हिंदू शाहों के घर का पानी पिएगा? पुरु, तुम मेरे घर में पूरे 15 दिन रही हो। पर मैंने तो तुम्हारे घर का सिर्फ अन्न पानी मुंह को लगाया। कौन मानेगा इस बात को? कौन मानेगा पुरु? यह तो मेरी शराफत है कि मैं पहले तुम्हारे साथ निकाह पढ़वाऊंगा। कर ली मन की मुराद पूरी, अब लॉर्ड गवर्नर को चिट्ठी भी लिख दे। अब बस भी करिए। आज लाजो का भाई तुझे और उसे लिवाने आ रहा है, वहां से अमृतसर चले जाना, यहां का मैं देख लूंगा। अच्छी लग रही है तू लाजो। हाय, जब मैं घर लौट कर नहीं पहुंची तो मेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा और मेरी छोटी बहन? वो रोते कलपते रहे, पर उसी तरह जैसे मेरे दादा, मेरे ताऊ और मेरे अब्बा मेरी बुआ के जाने के बाद रोते रहे। पुलिस बहुत खोज खबर लगाकर हार गई, पर उन्हें कोई अता पता न लग सका। उन्हें पता लग भी कैसे सकता था, पुलिस ने पूरे 500 रुपए खाए थे। तुम तो जानती हो कि इस समय हमारा पलड़ा भारी है, सारा गांव मुसलमानों का है, कोई हिंदू का बच्चा हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह गनीमत है कि उनकी जान माल सलामत है, उन्हें अपनी जान प्यारी है, वो कुछ बोल नहीं सकते। अगर वो हमारी ओर उंगली भी उठाते तो हमारे आदमी उन्हें नहर तक नहीं पार करने देते। क्या मेरे माता पिता अमृतसर वापस चले गए? नहीं, अभी नहीं। मैं कहूं अपने गांव से कितनी दूर? तुम अपने गांव के पिछली और मांगो किया कुएं के पार मेरे खेत में हो। तुम शायद अपने गांव जाने का सपना देख रही हो। अभी नहीं, बात जरा ठंडी हो ले।
छह महीने बीत जाए वहां भी ले चलूंगा। तेरी किस्मत अब हमारे पास कुछ नहीं। थोड़ी देर में शेखों के लोग यहां आ जाएंगे और हमारे बच्चे बच्चे को पेड़ डालेंगे। बाबूजी मुझे अमृतसर ले चलो, मुझे अमृतसर ले चलो माँ, मुझे अमृतसर ले चलो, मुझे अमृतसर। कहाँ रखेंगे हम तुझे, कौन तुझसे ब्याह रचाएगा? तेरा धर्म गया, जन्म गया। हम इस समय कुछ भी बोले तो हमारे लहू की एक बूंद भी नहीं बचेगी। तो मुझे मार डाले अपने हाथों से, मुझे मार डाले, मुझे मार डालो माँ, अपने हाथों से मुझे मार डालो। तू जन्मते मर गई होती, अब तू यहाँ से चली जा, जा। देख बेटा, शेख यहाँ आते ही होंगे, तेरे पिता तेरे भाई का कहीं पता तक नहीं मिलेगा, वो सबको मार डालेंगे। बेटी जा, हमने तुझे जन्म दिया है, हम पर इतना एहसान कर दे। ओ नेकबख्त, अब उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। Oh
मैंने कहा था ना। चल चल। शेख रशीद वल्द शेख यूसुफ का निकाह शेख हमीदा के साथ महर 11 रुपए तय किया गया। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है? कबूल है? क्यों बुलवाया था आपको थाने? कहीं पूरे तेरा लाडला रपड़ जो लिखवाया था उसे वापस लेने के लिए भी उनकी मुठियां गर्म करनी पड़ी। सोचता हूं अच्छे दाम मिले तो यह हवेली भी बेच दूं। अब नहीं आना मुझे यहां। पूरो, सुनो, मेरा अपना यहां तो कोई है नहीं, न मां न बहन न बाप, इसीलिए मैंने यहां से कोसों दूर सकड़ाले जाने का फैसला किया है। वहां मेरे दूर के रिश्ते का भाई रहता है, वहां उसने हमारे लिए एक मकान देख रखा है। यहाँ रहेंगे तो लोगों की निगाहें घूरेंगी और आसपास के गांव में बात फैलते ही हिंदू भड़क सकते हैं। यहाँ चाचा खेत संभालेंगे, बाकी साजो सामान बांध लो, बाकी का वहीं देखेंगे। और सुनो, तुम्हारे माता पिता सही सलामत अमृतसर चले गए। लड़की तो भले घर की दिखे रशीदे, उस दिन तेरे घर गई ना तो वो खोई बच्चिया के तेरे बैठी थी। रहीमे के बीवी बता रही थी कि उससे बहुत घुल मिल गई है। और बावरे, तू अपनी नाक संभाल, पूरा दिन पूरो पूरो गाता फिरता है। अरे निकाह के बाद कोई नाम तो रखा होगा तूने। अम्मा। अरे तू चुप कर रहीमे, सुन, उसके हाथ पर नाम गुदवा दे तो उसे नाम से पुकारने की आदत पड़ जाएगी, सारी बातों पर खाक भी पड़ जाएगी, ना कोई पूछेगा ना जांचेगा। चल। सुनती हो? आपने बुलाया जी। अपना हाथ बढ़ा दो, ये नाम गुद देंगे।
जी आपका नाम? हमीदा। जी उसका नाम पूरो है सर। जी सर मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी सर पर अभी तक कोई खबर नहीं मिली उसकी। जी आपकी बड़ी मेहरबानी सर। सर आप कहें तो मैं लाहौर आ जाऊं। जी सर शुक्रिया सर। चले देखिए जी ये लीजिए। शुक्रिया। चल मिलो। एक बात कहूं जी? कहो। आप कब तक यूं ही घुट घुट कर? तो मैं क्या करूं लाजो, पिताजी ने तो उसे मार ही दिया। हो सकता है मैं उनकी तकलीफ नहीं समझता हूं, पर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी बहन है और वो जहां भी होगी ना मेरी राह तकती होगी। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मां उसके लिए छिप छिप कर रोती है। मैं उसको ढूंढने के लिए एक भी कदम बढ़ाऊं तो कसमें दे देकर रोक लेती है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं आपको नहीं रोकूंगी जी, जरूर ढूंढिए पूरो दीदी को, वो आखिर आपकी बहन है। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं जी, मैं भी तो आपकी जिम्मेदारी हूं। बस इतना कहूंगी कि बात को जरा ठंडी हो लेने दीजिए, गर्मा गर्मी में कहीं पूछनी छो गई तो। एक बार पूरो दीदी का ठोटेकाना मिल जाए तो आप खुद ही उन्हें ले आइएगा, फिर चाहे क्यों ना उन्हें भगाना ही पड़े। तरलोके, तरलोके, रज्जो की चिट्ठी आई है। अगले महीने की 15 तारीख को रज्जो और दामाद जी हरमिंदर साहब में मत्था टेकने आ रहे हैं। आप कहीं कांग्रेस के झंडे लेकर चले मत जाइएगा, इसलिए पहले से इत्तला कर रहा हूं। ओए बचके बचके, बड़ा नहीं हो जा। ओ पासे, ओ त्रिलोके, क्या हुआ? मैं तेरे घर गया था, वहां पता चला कि तुम यहां मिलोगे। दिल्ली से अभी अभी खबर आई है, हर मोहल्ला कमेटी वालों को चौकस रहने को कहा गया है। कराची और लाहौर के आसपास हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ छुटपुट वारदातें हुई हैं। सरकार को डर है कि इससे दंगे भड़क सकते हैं। अगर ऐसा कुछ यहाँ भी हुआ तो हमें अमन कायम रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। थोड़ी देर में सभी वर्कर्स जिला कमेटी के दफ्तर में इकट्ठा हो रहे हैं, मैं चलता हूँ, औरों को भी इत्तला करनी है। रज्जो, बाऊजी, 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 हरमिंदर साहब हो ये पुत्र? जी।
हमारे दामाद जी कहाँ हैं? जी वो भैया के साथ बाजार गए हैं। मैं बाजार से लौट आया हूँ और ये गया है। साथियों, मुस्लिम लीग के मुट्ठी भर नेताओं के अलावा कोई भी इस देश का बंटवारा नहीं चाहता। बापू ने अंग्रेजी सरकार को साफ साफ कह दिया है कि अगर इस देश के बंटवारे की कीमत पर हमें आजादी मिलती है तो नहीं चाहिए हमें ऐसी आजादी, बिल्कुल नहीं चाहिए। साथियों, सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ रह रहे हैं, आजादी की लड़ाई भी हम साथ साथ ही लड़ रहे हैं। अगर अंग्रेजी सरकार इस बंटवारे को मंजूर करती है तो पूरा देश, याद रहे साथियों, पूरा देश इस बंटवारे के खिलाफ जेल जाएगा। साथियों, ये समय है एक होने का। आप सब मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्रिलोक जी, हाँ जी, आपको लगता है बंटवारा होगा? यदि हमारे नेता फिर एक बार लंबी लड़ाई और जेल जाने के लिए तैयार हुए तब तो नहीं। शुरू करते हैं, बच्चा लोग एक हाथ से ताली बजाओ। बाबूजी नाराज हो रहे थे कि आज आप कृपाल भैया को अपने साथ सभा में लेकर गए। इसमें उन्होंने कोई नई बात तो नहीं कही ना? आपके पास मुझसे बात करने का समय है? लाजो किताब दो। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अच्छा, तुम्हें रज्जो ने पूरो के बारे में कुछ बताया? उसने किसी को तो देखा होगा, है ना? मैं आपको कैसे समझाऊं कि पूरो, आप बार बार एक ही बात को लेके। देख रहा हूं तुम उचारसी रहने लगी हो, रात बिरात जाग उठती हो, तुम्हारी नींद कम हो गई है, खाना कम हो गया है। नहीं, सब ठीक तो है। सब ठीक कैसे है? दिन में एक बार खाती हो, सूखे छानस में नमक डालकर सिर्फ एक रोटी लेती हो, न घी न दूध न दही, किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? वैसे भी कौन सा अच्छा काम किया है तुमने? चार महीने का लगे हैं हमीदा बेगम। चार महीने। पीसे हुए बादाम और गरम किया हुआ गुड़ लेने में कोताही ना करना। और अब भारी काम नहीं समझी? चलती बिटिया, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अरे रशीदे बेटा, वो तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी कोई बात हो तो रहीमे की अम्मा के हाथ कहलवा भेजना। अरे मैं फौरन चली आऊंगी बेटा। ये ले अम्मा, ये ले, कार के लिए मिठाई ले लेना। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। जियो, चुप चुप जी। Oh!
Come on.
खुदा की कुछ और ही मर्जी है बेटा, तेरे भाग में खुशी नहीं है। क्या हाल है उसका? बहुत हिम्मत वाली जान पड़ती है, खुदा उस पर रहम करे। अम्मा, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? जा बेटा जा, उसके लिए दुआ करना। मैं हकीम साहब को भेजती हूँ, आके खुदा की मर्जी। घर पहुंचते ही चिट्ठी लिखना, अपना ध्यान रखना। भैया आप मुझसे नाराज हैं? पगली, तुझसे नाराज कैसे हो सकता हूं मैं? नहीं भैया, जो तू पूरो के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दे। जानवर होगा जिसने पगली की ये दुर्दशा बना दी। जिसके पास न हुस्न था न जवानी, बस मांस का एक शरीर, जिसे अपने सुध न थे, हड्डियों का एक पिंजर, एक पागल पिंजर, चीलों ने उसे भी नोच नोच कर खा लिया। पगली हिंदू थी, उसके लड़के को मुसलमान ले गए। गांव में देखते देखते उन्होंने एक हिंदू बच्चे को मुसलमान बना लिया। धिक्कार है हम हिंदुओं पर। अरे देखते ही देखते ये मुसलमान हमारी आंखों में धूल झोंक गए। जाने भी दो ना शाहजी, न जाने वो लड़का किसका पाप है, हम उस पिल्ले को कहां बांधते फिरेंगे। नालायक, सवाल इस समय धर्म का है। असल में यही चार पैसों की बात है ना, तो मेहरी को चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, लड़के को अपने आप पाल लेगी। पहले मेहरी से तो पूछ लो। लो देखो। अरे पालेगी क्यों नहीं, पहले चांदी की जूती उसके सर पर रखेंगे, फिर बात करेंगे। भाई गांव की हवा अच्छी नहीं है, जब भी पास से गुजरते हैं लोग कड़ी निगाह से देखते हैं।
हमें इस झगड़े में पड़ के क्या लेना है? बात लंबी हो जाएगी। वो लड़का ले जाए अगर उनकी यही मर्जी है। जो लड़के के भाग में होगा हो जाएगा। तो पहले ही दिन हिंदुओं को सुधी क्यों नहीं आई? ले जाते इसे, पाल लेते, मासी को देते, पिता सा स्नेह देते। पूरे 6 महीने मैंने रातें जाकर काटी है। इसका मल धो धोकर नाखून घिसा लिए है अपने। इन सब बातों से क्या होता है पूरो? क्यों नहीं होता? जब मैंने लड़के को शहद चटाया था और पड़ोस के मुसलमानों के घरों में पंजीरी बांटी थी ताकि लड़के को बड़ा होकर ये ना लगे कि उसके जन्म पर किसी ने कुछ नहीं किया, तब कहा थे गाँव के हिंदू। रशीद मियां, ओ रशीद मियां, रशीद मियां, ओ आया यार, कौन है यार? चल, मुखिया जी ने तुझको बुलाया है। तू ठहर, मैं आता। क्या हुआ जी? गांव के हिंदुओं के मुखिया ने बुलाया है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। बच्चे को मैं पाल रही हूँ, मैं जवाब दूंगी उन्हें। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखना, अकेले नहीं आएगा, अपने साथ 4-5 मुसलमानों को लेकर आएगा। सलाम चचा। सलाम। क्यों रशीद मियां जी, क्या सलाह है तुम्हारी? लड़के को वापस दोगे या नहीं? मेरी क्या मजाल है, अल्लाह की देन है, मैं कौन हूं देने वाला? ये सब टालबाजी की बातें हैं, इन्हें छोड़ और सीधी बात कर। नहीं, मैंने तो अल्लाह के रहम पर उसे उठा लिया था। जो घड़ी दो घड़ी वहां नहीं पहुंचता तो क्या पता कोई कुत्ता बिल्ली उसे मुंह में धर लेता। अल्लाह के यहाँ उसकी जिंदगी थी जनाब। ठीक है, अगर भगवान के यहाँ से उसका धागा लंबा है तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन तुझे एक बात मालूम होनी चाहिए कि उसकी माँ एक हिंदू औरत थी और तेरा एक हिंदू बच्चे को उठाकर ले जाना हम सहन नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि वो हिंदू थी कि कौन। वो हिंदू घरों से भी खाना लेकर खाती थी और मुसलमानों के घरों से भी। पर वो तो बावली थी, तू तो बावला नहीं है ना? हाँ ठीक है, आप पहले दिन उस लड़के को ले लेते और पाल लेते। मैंने कब इनकार किया था? मुट्ठी भर वो पिंजर था, मेरी घरवाली ने जी जाने करके 6 महीने काटे। अब जब लड़का बच गया है तब आपको भी उसकी याद आई है। अल्लाह का खौफ खाइए, रब के नाम पर ही आप उसे पालेंगे। रब के नाम पर ही मैं उसे पाल रहा हूं, नहीं तो मुझे इसे और क्या हासिल है? देखो, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, ना वो हमारा कोई लगता है ना तुम्हारा कोई लगता है। ये धर्म का सवाल है और तुझे धर्म के रास्ते में नहीं आना चाहिए। बेकार अपनी जान को संकट में डाल रहे हो तुम। कल को किसी ने तुम्हारे साथ कोई भला बुरा कर दिया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ, इसलिए अच्छा ये है कि तुम लड़के को सीधी तरह से हमें दे दो। और हाँ, इतने दिन तुमने उसे खिलाया पिलाया, चाहो तो 2-4 रुपए उसके ले लो। बेशक। अल्लाह अल्लाह, मेरी बेटी है, इसके साथ हम 2 आदमी भेज रहे हैं। वो तुम्हारे घर जाएंगे और लड़के को ले आएंगे, उसे शुद्ध हम खुद कर लेंगे। मैं आप लोगों से एक बार इल्तिजा करता हूं, उस लड़के पर रहम करें। वो जहां है उसे वहीं रहने दें। मेरी घर वाली उसे अपने पेट के जाए की तरह पाल रही है जनाब। हमने तो तुझे सीधा रास्ता बता दिया है, जो तू खैर चाहता है तो भला आदमी बन और उठ चल, नहीं तो हम भी जानते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। तू
रज्जो के पति का खत आया है। रज्जो पेट से है, तुम रतोवाल चले जाना और रज्जो को ले आना, और साथ में लाजो को भी ले जाना, वो कुछ दिन अपने घर रह आएगी। जी। सीधे रतोवाल जाना और सीधे वापस आ जाना। जी। यहां वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। जी। अखबार तो आप पढ़ते ही हैं, माहौल ठीक नहीं है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं। जी। हमीदा, हमीदा। हाँ माँ, यहाँ हूँ। अरे कैसी है रितु? ठीक हूँ अम्मा। खुदा करे तो खूब जिए, तेरे मन की हर मुराद पूरी हो। तुम्हारे लिए लस्सी लाऊं अम्मा? अरे पी लूंगी, बैठ, पहले अपने मन की बात तो कह लूं। क्या बात है? एक दो दिन बाद मेरी आपा आ रही है, वो बाबा शाह की मज़ार पर चादर चढ़ाकर पास के गांव में आंखों का इलाज कराने जा रही हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है अम्मा? एक दो दिन की बात होती तो मैं आपा के साथ चली जाती, लेकिन बात यहाँ 10-15 दिन की है। रहीमे के बीवी से मेरी देखभाल तो होती नहीं, तो आपा की चाकरी क्या करेगी? इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ बिटिया, तू ही मेरी बात रख ले। अरे बेवा है बेचारी, ना कोई आगे ना पीछे। वो हकीम कहाँ रहता है अम्मा? अरे हकीम नहीं, वो तो एक बावड़ी है, उस बावड़ी पर पीरों का वरदान है। कहते हैं उस बावड़ी के पानी से रोजाना आंखें धोने से आंखें भली चंगी हो जाती हैं। बावड़ी कहाँ है अम्मा? पास में गांव है रत्तोवाल, वहाँ एक साई रहता है, उसने मरीजों के रहने के लिए कच्चे मकान बनवा रखे हैं। बावड़ी सखी जानकी से राम और जानकी के भाग्य में वनवास भी लिखा था। अरे क्या सोचने लग गई तू? कुछ नहीं अम्मा, मैं जाऊंगी तुम्हारे आपा के साथ। दिन रहना पड़ेगा जिसने पैरों के निशान भी नहीं छोड़े पीछे,
छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। छूट गए यार न छूटे यारी माला, छूट गए यार न छूटे यारी माला, छूट गए यार न छूटे यारी माला। नहीं बेटा, थोड़ा गांव में घुमाया कर। गांव जाकर भी क्या करूंगी मैं? गांव की दहलीज पर आकर गांव ना देखेगी, खेतों में ही घुमाया कर, जी हल्का हो जाएगा। जी किया तो चली जाऊंगी अम्मा। ए भाई, ये खेत किसका है? तुम किसे ढूंढ रही हो बीबी? साफ साफ पूछ लो। जी, हम तो मुसाफिर हैं, साईं की बावड़ी पर रुके हैं। वो दो चार ककड़ियां तोड़नी थी ना, इसलिए पूछा। इसमें पूछना क्या है, तोड़ लो जितनी चाहिए। बह रही है तेरी जानिब ही जमीन की खबर लाया हूँ। छत्तूवानी से एक आदमी के गायब होने की खबर है, उसका नाम रशीद शेख है। वक्त की शाख से, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। बेटा जी, साई कह रहा था कि अब मैं जा सकती हूँ। अशरफ आए तो घोड़े को आराम दे चल देंगे। पर अम्मा, अभी तो मुझे वो क्या कह रही थी बिटिया, बात अधूरी क्यों छोड़ दी? जी हाँ जी, कुछ नहीं। सोचा था एक बार उसे देख लूंगी, पर अब तक उसकी परछाई भी न दिखाई दी। किसी से उसका नाम भी पूछूं तो कैसे? क्या लगता है वो मेरा? मुझे कोई क्यों नहीं कहता कि ये खेत रामचंद्र का? बिटिया, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ दादा, बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। रत्तोवाल की है? नहीं, अपनी अम्मा के साथ आई हूँ साई के यहाँ सकड़ाली से। थोड़े चने लेने थे, सोचा खेत का मालिक मिल जाए तो उनसे पूछ लूँ। अरे बेटा, वो रहे इस खेत के मालिक रामचंद, जाओ जाकर पूछ लो, बड़े दयालु हैं। बेटा अब मांग ही रही हो तो कम मत मांगना। देखो कनकन तैयार ने, छेती छेती कटाई शुरू करो। जी चाहे तो होर बंदे भी ला लो नाल। ठीक है, शाबाश जाओ। सुन बीबी,
तुम कौन हो बीबी? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ तकलीफ है बीबी? अरे कोई है यहां? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? अम्मा, आ गया हूं मैं। राजू चलो बेटे चलो, देर हो रही है। आई माँ। माँ राजू। माँ भैया गए? पहले सांस ले ले बेटा। नहीं नहीं जीते राजू। राजू भैया कैसी है? राजू भैया राजू भैया राजू राजू कैसी है तू? कुछ मत कहो भैया, मुझे यूं ही अपने भाई की खामोशी सुनने दो। पगली तू बिल्कुल नहीं बदली। हाँ और बदलूंगी भी नहीं। अब सच सच कहो भैया, वनवास कब खत्म हो रहा है? जब जानकी मिल जाए। तू बता कैसी है तू? साथ तो हूं भैया, लेकिन मेरे लिए भी वनवास ही है भैया। ये रखिए मैं। यकीनन तो नहीं कह सकता, पर मेरा मन कहता है कि वो पुरोहित ही। रोका नहीं आपने उसे? पुकारा तो था, पर काश मैं उसे रोक पाता। शायद अब उसे अपने भाग्य पर विश्वास ना रहा हो, और वैसे भी किस अधिकार से रोकता मैं उसे? तुम बताओ कुछ पता चला? छत्तोवानी से एक आदमी के गायब होने की खबर है, और शायद ही वो आदमी है। त्रिलोक जी। नमस्ते बाबूजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रज्जो बता रही थी कि आप परसों ही जाने की बात कर रहे हैं। जी वो पिताजी ने तो आज ही लौटने के लिए कहा था, पर मुझे कुछ जरूरी काम है तो इसलिए मैं। रुको रुको रुको, यही है वरुषित मियां का खेत। तुझे ठीक से पता तो है ना? हाँ यही है।
क्या हुआ जी? वो गांव से मेरा चचेरा भाई असलम आया है। छतुआनी से? हाँ। इतनी सुबह? कोई खास बात? वो कह रहा है कि हमारी कटी हुई फसल के ढेर लगे हुए थे, मनो अनाज ढेरों का ढेर पड़ा हुआ था। फिर? किसी ने उसमें आग लगा दी। क्या? सारी फसल का एक दाना भी नहीं बचा। जानबूझकर लगाई? शक तो ऐसा ही। ऐसा कौन है आपका दुश्मन? छतवानी जा रहा हूँ, जल्दी लौटाऊंगा। तो दूध तो पी लीजिए। मन नहीं कर रहा। तुम्हें किस पर शक है? तुम बताओ ना चाचा। जनाब मैं कौन है ये? शशि। चुप चुप बेटा। जी जी रशीद शेख। तुझे किसी पर शक है? किसी पर शक कैसे कर सकता हूँ जनाब? अरे किसी से दुश्मनी यारी तो होगी। नहीं जनाब कुछ कह नहीं सकता। तो क्या किसी ने हंसी मजाक में आग लगा दी यहाँ? दरोगा साहब कुछ पता चला तो जनाब को खबर पहुंचा देंगे। अरे फसाद तो नहीं कर रहे हो रे तुम लोग? हम तो वैसे ही लुट गए जनाब। ठीक है, अगर किसी पर शक को शुबा हो तो रपट लिखा देना थाने में आकर। जी जनाब। समझे? सलाम। चलो। अरे रोटी पर क्यों गुस्सा उतारता है? रोटी खाकर ही जाने को तो कह रहे हैं तुझे। ऐसी बात नहीं है चाचा, दोपहर की बस निकल गई तो फिर शाम में भी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। हमेदा परेशान होगी, उसको बोल के आया था कि जो हुआ उस पर खाक डालो और आगे की सोचो। मैं समझता हूँ चाचा सबकी साझा फसल थी, आप लोगों के नुकसान भरपाई के लिए मैं अगले दो फसलों तक अपना हिस्सा ना लूंगा। कुछ नकद भी है मेरे पास, आप लोग कहें तो। रशीद मैं। भाई आप अपने नुकसान की सोचिए, अभी तो उसने सिर्फ खेतों में आग लगाई है, कल वो कुछ और भी कर सकता है। एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हो? सिर्फ शक है ना, सबूत तो नहीं है कि जिसने आग लगाई थी वो हमीदा का भाई था। लेकिन बेटा शक के बिना पर रपट तो लिखवाई जा सकती है ना, ताकि पुलिस चौकन्नी रहे। खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा हो गया तो हम गुनाहगार ना ठहरे। खुदा के लिए बंद कीजिए ये सब, तंग आ गया हूं मैं। बड़ी हमदर्दी है आपको आग लगाने वाले। तुम्हारी बहन को कोई उठा ले जाता तो क्या करते? क्या करते तुम? गुनाह मैंने किया है, मैंने, तो सजा तो मुझे भुगतने दो। बेअदबी के लिए माफी चाहता हूं। रशीद भाई मेरी बात भी करो असलम, आखिर घर का मामला है।
भाई जान वो तो पर जाइए और आपको लेकर सवाल ना उठे, इसलिए दरोगा के सामने मैं चुप रहा। पर बात तो आपकी तरह फैलेगी ही, किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? तो चुप कर असलम, बात को कोतवाली तक ले जाने की जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है अभी हमारा खेत जला है। बात बढ़ गई तो कल पूरा गांव जलेगा। और तू तू सबर करना सीख। खबरदार जो किसी ने अपनी जुबान से हिंदू मुसलमान का नाम भी लिया तो। ठीक तो है जी। हाँ, खाना तैयार है जी, अभी लगा देती हूँ। वो कुछ पता चला कि आप किसने लगाई? नहीं। कह नहीं रहे? कुछ बात हो तो कहो। हमीदा जी, एक उड़ती उड़ती बात सुनी है। क्या? पता नहीं सच है या झूठ। सुना है गांव में एक अजनबी नौजवान आया था, वो किसी से बहुत मिला जुला नहीं। गांव वालों को शक है कि शायद वो तुम्हारा भाई था। मेरा भाई? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर गांव वाले कह रहे थे कि वो मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। लोगों को सिर्फ शक है। पता नहीं मेरे भाग में क्या लिखा, इतने दिनों बाद किसी ने मेरी सूद ली, वो भी इस तरह। कौन जाने आग उसी ने लगाई हो, शायद अपने भरे हुए दिल का गुबार निकालने के लिए बदला लिया हो। ऐसा करने से पहले उसने एक बार भी बहन का ख्याल नहीं किया कि उस पर क्या गुजरेगी। वो तुम्हें भूला नहीं है पूरो, उसके दिल में तुम्हारे लिए दुख और प्रेम की आग जल रही होगी। उसी जलती आग में सिख चिंगारी उसने खेतों में लगा दी। क्या पता बहन के दुख का ख्याल ही उसे व्याकुल करता हो। मेरा भाई कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? क्या पता आग किसी और ने लगाई हो और शक सुबह पर वो पकड़ा जाए। एक घड़ी पहले तुम्हें उसकी चिंता थी, जिसका मनो अनाज चल कर राख हो गया। एक घड़ी बाद तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, जिसने शायद उस अनाज को जलाकर राख कर दिया। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? नहीं पुरो, पहली बार आग कलेजे को ठंडक देती महसूस हो रही है। मन कुछ हल्का हो रहा है। मेरा भाई अब तो बहुत बड़ा वकील बन गया होगा। काश एक बार ही उसका चेहरा देख पाती।
रशीद मियां, अरे ओ रशीद मियां, गांव वाले लोहा इकट्ठा कर रहे हैं, लोहे के ऊपर शान धर रहे हैं, आप भी तैयारी रखना। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है जी? मुल्क का बंटवारा हो गया। मैं अब कहाँ हूँ? हमारा मुल्क अब पाकिस्तान है। और यहाँ के हिंदू? वो अपने मुल्क हिंदुस्तान जाएंगे। के गांव के हिंदू हिंदुस्तान जा रहे हैं, कल यहां भी वही होगा जो चारों तरफ हो रहा है। ऐसे में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई साहब, किस पर भरोसा नहीं है आपको? मुसलमानों पर? जो तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम यहीं रहो, मैं अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान जा रहा हूं। ताऊजी, भलवाई ना हिंदू होता ना मुसलमान। सियासत मीर और गालिब की शायरी नहीं है, सच्चाई तो यही है कि अब यहां हिंदू नहीं रह सकता। भाई साहब, रामचंद्र की मां, भाई साहब, जितना रुपया सोना चाहे उन्हें दे दो, लेकिन सांझे चूल्हे को मैं टूटने नहीं दूंगा। जो हाथ लगे समेट ले। लाजो रामचंद्र, लाजो लाजो रामचंद्र, रामचंद्र लाजो, तू सुनता क्या नहीं मेरे बाप? हाँ, मैं सबर कर, जिंदा रहेंगे तो बाबूजी को ढूंढ पाएंगे ना। चलो चलो जल्दी जल्दी। आए हैं आप लोग इस तरह
ए सुन, अरे अरे रुक जा, सुन तो, कौन है तू, क्या हुआ है तुझे? हाँ चल मेरे साथ, चल चल। पास के गांव में कैंप खुला हुआ था जहां गांव के सारे हिंदू इकट्ठा हो गए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मिलिट्री वाले उन्हें वहां से निकालकर दूसरी ओर हिंदुस्तान ले जाएंगे। इस ओर फौज कैंप की रखवाली करती थी, लेकिन रात को कुछ मुसलमान कैंप की जवान लड़कियों को उठा ले जाते थे और अगले दिन तड़के ही उन्हें वापस छोड़ जाते थे। और रातें हो गई, मुझे हर रात नए नए लोगों के घरों में जाना पड़ा। पिछली रात मैं मुझे ले जाने वाले को चकमा देकर भाग गई। दौड़ते दौड़ते इस गांव में पहुंच गए। जब सुबह के समय उजाला होने लगा तो मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इसलिए गन्ने के खेत में घुस गई, सारा दिन एक के खेत में लुका छिपी करते हुए बिताया। इस युग में लड़की का जन्म लेना ही पाप है। वो कौन है? वो सलाम वालेकुम मियां, गांव में कोई काफिरों की लड़की दिखाई दी? नहीं तो खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। ए भाई, ये काफिला किस गांव का है? सभी रत्तोवाल का। तुम्हारा वहां कोई है क्या? हम सक्कड़ अली कैंप पहुंच चुके हैं, शाम हो चली है, आगे जाना ठीक नहीं होगा, आज काफिला यहीं रुकेगा। पंजाब बाउंड्री फोर्स
आपकी मदद के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। गांव के लोग काफिले को अनाज दाना बेच रहे हैं, क्यों ना मैं भी किसी बहाने रामचंद को देखा, बस एक बार, अंतिम बार। थोड़ी देर और हुई तो गांव के सब लोग काफिले को अनाज बेच चुके होंगे। और मोल भाव में मुरव्वत न करना, नकदी की जगह गहने मांगना, वरना क्या भरोसा, आज की नकदी कल चले ना चले। गहने चाहिए गहने, नहीं गहने नहीं रुपए नहीं चलेंगे, गहने दो गहने, गहने चाहिए गहने। साहिब पानी पीजिएगा। रुपए तैयार रखना, मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा जाऊंगी। काफिला सूरज निकलते ही चल देगा, रात रहती इसे छोड़ आना ठीक होगा। ये काफिले तक सही सलामत पहुंच जाए तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। मैं साथ चलूं? अच्छा है, लोग औरत जात पर भरोसा करते हैं। तुम साथ हुए तो चार बातें पूछ सकते हैं, वैसे भी बेचारी मर्दों की मारी है। जो आज मौका हाथ से निकल गया तो जाने कब आएगा। अल्लाह सब ठीक ही करेगा। आजा जल्दी आजा। घी और आटा इसमें बांध दिया है तो पूरो है ना? क्या अभी पूछना बाकी है? देखो इस बेचारे को तुम्हें सौंपने आई हूं, अपने काफिले में साथ ले जाना। हिंदुस्तान जाकर शायद इसके माता पिता की कोई खबर मिल जाए। मेरे माता पिता की कोई खबर? वो तो जब से ब्याह करके गए हैं तब से वापस लौटे ही नहीं। ब्याह? किसका ब्याह? तेरे खो जाने के बाद तेरी छोटी बहन के फेरे मेरे ताऊ के लड़के से कर दिए गए, और तेरे भाई के साथ मेरी छोटी बहन के फेरे हो गए। उस दिन के बाद वो वापस लौटे ही नहीं। फिर रज्जू, तो फिर तो वो भी इस काफिले में? नहीं, पिछले दिनों तेरा भाई त्रिलोक आया था, वो अपनी औरत को मायके छोड़ गया था और रज्जू को अपने साथ ले गया था। जो वो भी यहाँ होती तो वो भी क्या? तुम बोलता क्यों नहीं? वो भी क्या? मेरी बहन को पलवाई उठा कर ले गए। यानी मेरी मेरी वीर की? हाँ। कैसे हुआ? जब हम घर से भागे वो साथ थी कि अचानक काफले पर हमला हुआ। और मेरी आंखों के सामने पलवाई मेरी बहन को उसका नाम लाचो है ना, मां से भाई की सगाई के वक्त सुना था। पुरो कोशिश करना लाचो का कुछ पता चल जावे, जाने चीती है या मर गई। उसके उसकी बांह पर उसका नाम गुदा हुआ है। मुझे सकड़ाली के पते पर खत लिखना, अपना पता भी लिखना। जो लाजो का कुछ पता चला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी।
ए लड़की, कौन है तू और कहाँ जा रही है? अनाज बेचने आई थी। कितने का बेचा? चल पैसे दिखा। पैसे? नमस्ते। हम तुसी आराम करो, मैं पहरा देना। ले आओ। वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, वतनावे ओ मेरे आ वतनावे। बट गए तेरे आंगन, बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी हीरे, मर गए तेरे रांझे। वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, वतनावे ओ मेरे आ वतनावे। पूछेगा फसलें सींचेगा कौन, तेरी माटी में ठंडी छांव बीजेगा। ओ, 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 ओ कौन तुझे पानी पूछेगा फसलें सींचेगा, कौन तेरी माटी में ठंडी छांव बीजेगा। बैरी काट के ले गए तेरिया ठंडिया छावा वे, वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, वतनावे ओ मेरे आ वतनावे। बसाएगा तेरा वीराना, मुड़ के हम ना देखेंगे और तू भी याद ना आना। हो, हो, हम ना रहे तो कौन बसाएगा तेरा वीराना, मुड़ के हम ना देखेंगे और तू भी याद ना आना। गीटे कंचे बांट के कर ली कुट्टी, वतनावे वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, वतनावे ओ मेरे आ वतनावे। वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, 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 वतनावे वतनावे ओ मेरे आ वतनावे, वतनावे।
लोग जैसे भी हो मुझ पर रहम करो। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा तुमसे, मुझे लाशों का पता ला दो बस। तुम पहले भी रामचंद्र से रत्तवाल में मिली थी। अल्लाह का कसम पूरो, मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं होने दूंगा। शायद इसी में मेरे गुनाहों की माफी हो। लूट का माल तो नहीं है ना मियां? नहीं जनाब, यहाँ जूतियां कौन लूटता है? हाँ, जहाँ लड़कियां और मोटा माल मिल रहा हो वहां जूतियों के चक्कर में कौन पड़ेगा। वैसे सुना है रत्तवाल में काफिरों की लड़कियां हैं। खुदा सब कुछ देख रहा है मियां, अब वही सबका फैसला करेगा। बात हंसी छिछोली की नहीं है जनाब। शुक्रिया। कायदे आजम का ऐलान है कि हिंदुओं की लड़कियां छोड़ दी जाएं। पुलिस गांव गांव ढूंढ रही है। एक हिंदू लड़की हिंदुस्तान जाएगी तो एक मुसलमान लड़की लौटाई जाएगी। जनाब, आप तो यूं फरमा रहे हैं गोया किसी लौंडिया को मैंने अपने घर में छुपा रखा है। क्या रत्तवाल में गांव के लौंडों ने लड़कियां नहीं छुपा रखी मियां? अरे गांव के बड़े बुजुर्गों को समझाइए कि लड़कियां ढूंढवा कर सरकार को इत्तला करवा दें, इसी में गांव की भलाई है। मुझे पूरा यकीन है पूरो कि लाजो रत्तवाल में ही है, और हो न हो जिसने लाजो को उठाया है उसी ने शायद लाजो के मकान को भी संभाल लिया है। रत्तवाल में रहकर ही उसकी टोली जा सकती है, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं रत्तवाल में किसी को जानता नहीं। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए रत्तवाल में बावड़ी वाली साईं के कोठरी पर जा टिके, किसी को शक भी ना होगा, और मैं गांव में खेस बेचने के बहाने घर घर जाकर लाजो के टोह भी ले लूंगी। चालाक छोरी है रे तू, अभी तो कह रही थी कि मुफ्त के दाम में दे रही हूँ अम्मा। अब लूट का माल थोड़ी है बीबी, अपने हाथों से बनाया है। अरे तो गांव में कमी है क्या दरियों और खेसों की? एक तो घर में जबरदस्ती घुसाई और ऊपर से ये मिजाज। अच्छा छोड़ ना, जो तुझे ठीक लगे वही दे दे बीबी, ठीक है? बड़ी निगोड़ी है रे तू, उंगली क्या दी पोंछा ही पकड़ने लगी। आय हाय, सब जानते हैं आप रत्तवाल में लूट में काफिरों के घर से खूब माल मलीदा मिला है सबको। ये तो मेरी ही किस्मत फूटी हुई है कि मुझे अब तक खेस बेचने पड़ रहे हैं। चुप कर, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। वैसे तुम्हारे हिस्से में क्या क्या आया? तू क्या करेगी जानकर? कुछ बेचना हो तो बता देना, सौदा करा दूंगी। वैसे ये मकान तो काफिरों का लागे है। अब तू जाएगी भी यहाँ से? भूल चुक हो गई हो तो माफ कर देना अम्मा, कुछ काम हो तो बुला लेना, रोज आती हूँ मैं बस्ती में, जा रही हूँ बस। गांव के सारे हिंदू एक बड़ी सी हवेली में चले गए, कहते हैं वहां पे अनाज इकट्ठा करके रखा था उन्होंने। गांव वालों ने भी एक दिन मिलकर हमला कर दिया, सारे घर के तारे तोड़ दिए और अलग अलग मकानों के मालिक बन बैठे। जिसके लोहे में शान थी वही मकान का मालिक बन बैठा। हाँ, पर वैसे रत्तवाल में बड़ी बड़ी हवेलियां तो कम दिखे हैं खाला। हुँ? जो भी, तूने भगोड़े रामचंद का घर ना देखा है? मेरे चचेरे भाई के कब्जे में है। तब तो तेरे भाई को लूट में खूब मिला होगा। मेरे एक दो खेसी बिकवा दे, अल्लाह का तुझ पर करम होगा। किसी से भी पूछ लेना, सभी जानते हैं रामचंद का घर। मौका पड़ा तो मैं भी दिखा दूंगी।
गांव में किसी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं। अब कल फिर से रामचंद्र के घर का फेरा लगाऊंगी। देखती हूँ बुढ़िया कब तक घर में नहीं घुसने देती। ना ना ना, जल्दबाजी ना करना। कुछ दिन और ठहरना पड़े तो ठहर जाएंगे। तौबा, अरे कह दिया ना हमें कुछ नहीं लेना। अरे अम्मा, तुम लेना कुछ नहीं पर देख तो लो। मैं भला तुमसे देखने के दाम थोड़ी मांगूंगी। अल्लाह खैर करे, एक घूट पानी तो पिला दे, सवेरे से प्यासी हूँ। अरे पानी छोड़, तू लस्सी पी ले। पर जो तू ये चादरें और खेस बेचना चाहती है ना, तो किसी शहर जा। वहां ना लोग सूत काटते हैं ना कपड़ा बुनते हैं, गांव में किसके पास खेसों का घाटा। उन्हें एक वक्त एक गिलास लस्सी का भर के ले आ। हाय अम्मा, ये तेरी लड़की ठीक तो है? ठीक है, बस ऐसे ही। जरा नमक तो ला देना, लस्सी में मिला दो। इधर आजा, तेरी नाड़ी देख लूं, रंग तो हल्दी जैसा हो रहा है तेरा। कोई गंडा लाके बांध देना तो लड़की का मन घर से परत जाए। लड़के से भी कुछ नहीं बोलती चालती। मेरे पास ऐसा जंतर है कि जिससे कुछ ही दिनों में लड़की मकई के दाने की तरह खिल जाएगी। हाँ, तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी, मुझे बस वो जंतर ला दे। ये कौन बड़ी बात है, मैं तो कल ही ले आऊंगी अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा अब आगे तू जाने और तेरा काम। कोई ऐसी ब्योत बने जैसे मुझे घोड़ी पर उठा ले आया था, वैसे ही इस बार भी हिम्मत कर। उसे भगा कर ले जाना मुश्किल नहीं है, पर उसे आगे कैसे पहुंचाएंगे? आगे के आगे सोच लेंगे। क्या पता, शायद रामचंद्र सक्कर डाले के पते पर चिट्ठी लिखे। जैसी अल्लाह की मर्जी। अम्मा, अम्मा, अरे ओ अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा, वो अम्मा नहीं है क्या घर में? वो खेत गई है। तू लाजो है ना मेरी भाभी, तू पूरा है ना? देख लाजो, संभल कर बैठ, कोई आ जाएगा। लाजो मेरी बात कुछ नहीं जानती, तू मुझे अपने साथ ले चल। तुझे मेरे साथ ही तो लेके जाने आई हूँ, और क्यों आई हूँ मैं यहाँ? मेरी बात सुन मेरी बहन, मुझे भगा के ले चल पूरा, मैं सारी उम्र तेरी बात नहीं मन की रहूंगी। ऐसे भगा कर कहाँ ले जाऊंगी मैं तुझे, कहाँ ले जाऊंगी? तेरी बात सुन। नहीं, मैं नहीं जीऊंगी, मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते पागल, मेरी बात सुन। कब बाहर जाती है तू? बुढ़िया जाने नहीं देती। पर सवेरे खेतों में तो जाती होगी, वो साथ होती है। देख, आज अमावस है, जो आज रात को
किसी तरह तू बाहर के कुएं के पास आ सके ना तो तुझे मेरा मेरा पति रशीद वहाँ घोड़ी लेकर तैयार मिलेगा। पर पूरा मैं बाहर निकलूंगी कैसे? रात को सब सो जाए ना, तब दाव लगा कर निकल आना बस। निके, हाँ, वो तो दारू भी पीता है, जैसे तैसे करके दो चार घूट ज्यादा दे दूंगी। पर आंगन में बुढ़िया, वो अफीम शफीम नहीं खाते क्या बुढ़िया? मैंने खाते नहीं देखा। बस लाचो, किसी तरह तू वहाँ पर पहुँच जाए बस। वहाँ तो मैं तो उसे जानती तक नहीं पूरा, जो तू वहाँ मिल जाए तो ना। वो तो रातों रात पैड़ा मार लेगा, जो मैं भी साथ हुई तो हम दोनों ही रह जाएंगे। लेकिन मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। तू मुझ पर भरोसा रख, और फिर देख तेरी तसल्ली के लिए मेरे हाथ में अंगूठी है ना, ये उसके हाथ में दे दूंगी, तू देख लीजो, ठीक है? पूरो जो आज रात दाव ना लगा तो कल रात वो पूरी तीन रातें तेरी राह देखेगा, ठीक है ना? गले में हाथ हो रही, कोई आ तो नहीं रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। पूरो जो तू जंतर के बहाने रोज मुझे किसी कुएं या बावड़ी पे ले जाए और फिर एक दिन हम दोनों नहीं, नहीं। इस तरह तो उन्हें हम दोनों पे शक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो तुझे इस गांव से बाहर ले जाए और उसके बाद भी मैं दो तीन दिन तक गांव के चक्कर काटती रहूं ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा सके, समझी? लेकिन पूरो मुझे बहुत डर लगता है कोई बीच में पकड़ लेगा तो फिर तो जो किस्मत में होगा वही आगे होगा। आगे किसके कर्म से थे, मैं सारी उम्र तुझ पे बोझ बन जाऊंगी ना। देख ये बातें फिर करेंगे, ये समय नहीं है इन बातों का, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा है अगर आज बुढ़िया मुझे ना देखे। नहीं नहीं बुढ़ो, मुझे भी साथ ले चल। देख लाजो, आज रात आधी रात को कल पर मत डालना। ओ ढंग से काम कर। खसुमन खानी, पूरो को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ रह रही हूँ? मैंने तो उससे कुछ भी नहीं पूछा, पूछने का वक्त ही कहाँ था? अम्मा, अम्मा, आज ठंड ज्यादा है, तेरी खाट भीतर लगा दी है, जा जाके लेट। लगता है दिन पलट गए, जंतर से पहले ही असर होने लगा। ओए रब जी, और ले आऊं जी? आज तू बुलाएगी? जा ले आ, ले आ।
क्या तलाशो है? भाई मेरी निशानी दिखा दे। अल्लाह दिता की रखेल गायब हो गई है चाची। हाय अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? बात तो हैरानी की है, आसपास के गांव में किसी हिंदू का तो नामो निशान तक नहीं है, और फिर कोई मुसलमान ये काम क्यों करने लगा? हाँ सो तो है। अबे क्या हुआ? अल्लाह दित्ते, यहाँ तो उसकी लाश भी नहीं दिखाई पड़ती। अरे तूने कहीं देखा उस कलमुई को? आहा कौन अम्मा, बहू कहाँ है? अरे वो करमजली तो पाक गई। हाय हाय, किसके साथ? मैं तो उसके लिए जंतर और भस्म लेकर आई हूँ। चूल्हे में जाए जंतर और भस्म, उसे तो ना जाने जिन लेगा या पूत। क्या बात करती हूँ अम्मा, गांव में ऐसा कौन है जो लेके जाएगा? खेतों में गई होगी, आती होगी। लो सुन लो, खेतों में गई होगी, तूप सिर पे चढ़ाई है। पर अम्मा वो कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं है कि कौवे उठाकर ले जाए? यही तो मैं कहती हूँ, क्या जाने किसी कुएं में डूब मरी हो, किसी जोहड़ में गिर पड़ी हो। सारे कुएं खाई देखा है हम लोग, कहीं हड्डी पसली भी नहीं मिली उसकी। अरे खाए अपने माँ बाप को, तूने क्यों अपनी जान को रोग लगा लिया है? उठा लिया होगा भूत प्रेतों ने। मेरी समझ में तो वो रात बिरात उठकर भाग गई है और कोई जानवर उसको उठाकर ले गया है। यहाँ तो कोई गीदड़ या लोमड़ी भले फिरती हो, और इस गाँव के पास कौन सा जानवर आया होगा? अरे हमारी तरफ से चोर ले गए, ले जाए, तू तो दो कौर मुँह में डाल ले। अच्छा अम्मा, अल्लाह तेरे जी को चैन दे, मैं चलती हूँ। ए, क्या तू कौन है? ये कौन है, खेस बेचती हो और कौन है? मैंने पहले तो कभी तुझे देखा नहीं इस गांव में। ले, ये बेचारी तो यहाँ रोज बेचती फिरती है। किस गांव से आई है तू? पासी के गांव से, गांव में घूम घूम कर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती हूँ। तू हिंदू है या मुसलमान? क्यों भाई, क्या ख्याल है, अब क्या इसे भी घर में डालोगे? क्या बात करते हो भाई, यहाँ हिंदू कहाँ से आई? हिंदू का नाम उसके माथे पर नहीं लिखा होता। तेरा तो भाई शक ही दूर नहीं होता, ले देख ले, हमीदा नाम है मेरा। अरे जा भाई जा, इसका तो दिमाग ही फिर गया है। जा। कोई बात नहीं अम्मा, मुझे कुछ पता चले तो मैं आप ही आकर बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। रत्तोवल का काफिला इसी गांव से गुजरा था। तूने देखा था? मैं तेरे भाई से मिली थी, तभी तो तेरे बारे में पता चला। तू सच कह रही है जीजी? हाँ। पर तूने उसे कैसे पहचाना? तूने तो उसे कभी देखा भी ना था। मैं उसे पहले भी एक बार मिल चुके थे। कहाँ? रत्तोवाल में। उसी दिन मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन का ब्याह भी हो चुका है, और मुझे कोई खैर खबर भी न मिली। मरे हुए लोगों को भी याद करते, श्राद्ध खिलाते हैं उनके नाम से, पर मेरी किसी ने खबर भी न ली। कभी कभी घर में मेरा कोई नाम भी लेता है। नहीं जीजी, तेरी माँ कई बार तेरा नाम लेके रोती है। और मेरे पिता, वो भी तुझे बहुत याद करते हैं। हाय मेरी माँ के कर्म, बेटी उसकी जीते जी मर गई और बहू भी। तू जब वहां जाएगी तो मेरी माँ से कहना एक बार मुझ जीती का मुंह तो देख ले। मैं वहां कहां जाऊंगी,
तू वहां जाएगी अपने पति के पास, अपने भाई के पास? नहीं जीजी, मैं तो जीते जी मर चुकी हूँ, मुझे अब कौन कबूल करेगा? नहीं लाजो, मैं अपने जीते अन्याय ना होने दूंगी, इसमें तेरा क्या दोष है? तेरा भी क्या दोष था, तुझे तो आज तक घर वालों ने ना बुलाया। मेरी बात और थी लाजो। तेरी बात और कैसे हुई जीजी, तू क्या अपनी मर्जी से आई थी? हाँ लाजो, पर तब मैं अकेली थी, मेरे माँ बाप को साहस न हुआ कि वे लोगों की बातें सुन सके, उन्होंने अपनी ममता को उखाड़ कर फेंक दिया, पर आज एक की नहीं सबके कलेजे पर लगी है। नहीं जीजी, मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे साथ पहले ही अत्याचार ना हुआ होता। मैं जानती हूँ मुझे लेने कोई ना आएगा। मैं कहती हूँ तेरे भाई का पत्र जरूर आएगा, हम तेरा पता देंगे और वो तुझे वापस ले जाएंगे। आज किसी को शिकायत नहीं, सब अपनी बहू बेटियों को वापस ले जा रहे हैं। रशीद बता रहा था हिंदुस्तान से भी लोग अपनी औरतों को ढूंढ ढूंढ कर वापस ला रहे हैं, कईयों के तो बच्चे भी हो चुके हैं। जहां वो एक केले रोते थे अब वो दो केले रोलेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, मैं तेरी टहल कर रोटी खा लूंगी। मेरे घाव पर नमक मत छिड़क लाजो, ये तेरा अपना घर है, लेकिन वे तुझे जरूर ले जाएंगे। मैं सारी दुनिया का वास्ता देकर उन्हें मना लूंगी। तू अपने घर में ठीक है जीजी? रशीद का पेट पीछा सुनता है, पहला गुनाह जो उसने किया सो किया, पर उसके बाद कभी भी मुझे कुछ भला बुरा नहीं कहा। जो आज वो मेरे साथ ना होता तो तुझे कैसे ढूंढ कर निकालती? मुझे ले आने में उसने अपनी जान बड़ी जोखिम में डाली, जो अगर उस राक्षस को पता चल जाता तो मेरी और उसकी हड्डियां फूंक कर ही पानी पीता। वे लोग फूंकते कहाँ हैं बावली, वे तो गाड़ देते हैं। एक बात पूछू जीजी? पूछ। तो क्या अब भी मेरे भाई को चाहती है? रात बहुत हो चुकी है, अब तो सो जा। जनाब, गांव में सीधे घुसने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए मुनासिब यही होगा कि पहले हम उसे किसी बहाने से गांव के बाहर ही बुला लें। रशीद चाचा, वो चाचा आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने ही मुझे ये धेला दिया था। अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जी। पुरो, लाजो, सब ठीक तो है जी? यहाँ मेरे पास बैठ। यहाँ नहीं, मेरे पास, इधर। कहीं रत्तोवाल की बुढ़िया को लाजू के बारे में पता तो नहीं चल गया जी?
आज रामचंद्र आए थे यहाँ। हाँ, साथ में कुछ हिंदुस्तान के सिपाही थे और कुछ पाकिस्तान के। लोग इसी तरह गांव और शहरों में खोई हुई लड़कियों को तलाश कर रहे हैं। रामचंद्र मुझे अकेले भी नहीं मिले थे। वो सचमुच मुझे लेने आया है? पगली कहीं की, और वो यहाँ क्या करने आए हैं? वो अकेला आया है। अबे तो अकेले ही आए हैं, पर तू फिकर ना कर, तेरे घर के सब तुझे सिर आंखों पर बिठा कर ले जाएंगे। मैं जानती थी रामचंद्र जरूर आएगा। तेरा नाम सुनकर, तेरी खबर सुनकर रामचंद्र रोते रहे, उनके आंसू किसी तरह थमते न थे। मेरा जी भी भर भर आता था। मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा दिया है। तुझे आज यहां इस तरह दे देने से सारे गांव को खबर हो जाती, कौन जाने बात रत्तोवाल तक भी पहुंच जाती। मैंने उनसे कहा आप लाहौर वापस चलो, मैं दाजो को लेकर के लाहौर पहुंचता हूं, वहां आपके हवाले कर दूंगा। ये आपने अच्छा किया जी। हम वहां आज से तीसरे दिन पहुंचेंगे, तब तक वो पूरो के भाई को भी अमृतसर से बुला लेंगे। मैंने सोचा एक बार पूरो भी अपने भाई से मिल लेंगे। हिंदुस्तान से आए सारे मुहाजिरों को सख्त हिदायत दी जाती है कि इस कैंप में शराब पर सख्त पाबंदी है। सत्या देवी, बलवंत कौर, चंपा देवी, शकुंतला देवी, पूरन कौर, पुष्पा देवी। इसमें तो नाम नहीं है जनाब। अमृत कौर, अगर वो यहाँ है तो उससे कहना कि जी उसका भाई रामचंद्र यहीं छावनी में है। जी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। हिंदुस्तानी आवाम में से अगर किसी को अपनी खोई हुई बहू बेटियों के मुतालिक कोई शिकायत हो तो वे बेगम तसद्दुक हसन जहां आरा नवाज और बेगम लियाकत अली से मिल सकते हैं। आप दोनों इस वक्त कैंप में मौजूद हैं। मोहतरमा मृदुला सारा भाई अगर इस वक्त कैंप में मौजूद हो तो वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के दफ्तर में पहुंचे। नाम करतार सिंह। बस लाजो, बस। सुनना भाई, हाँ। कभी भूल कर भी लाजो का निरादर ना करना। नहीं करूंगा पूरा। उधर जाने वाले हिंदू तैयार हो जाए, लॉरी तैयार है। में से अगर किसी को अपनी खोई हुई बहु बेटियों के मुतालिक कोई शिकायत हो तो वे बेगम तसद्दुक हसन जहां आरा नवाज और बेगम लियाकत अली से मिल सकते हैं। आप दोनों इस वक्त कैंप में मौजूद हैं। तेरी बड़ी मेहरबानी है, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। हो सके तो माफ कर देना भाई। Thank you.
देख पूरा मेरी बात सुन, सारी हिंदू लड़कियां अपने अपने घर लौट रही, जो तू चाहे ना तो रामचंद तुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। वो तेरा दर्द समझता है, तू एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। घर वापस आ रही है, समझना उसी में पूरो भी वापस आ गई। अपने लोगों के बीच चली जा, जा। रशीद, अब तू ही मेरा सच है। मेरे लिए अब यही मेरा घर है, रशीद, यही मेरा घर है। जाने दे उसे, दोबारा उसे अपने घर से अलग मत कर। उधर जाने वाले हिंदू तैयार हो जाए, लॉरी जा रही है। बंद करो इसे। चाहे कोई लड़की हिंदू हो या मुसलमान, जो भी लड़की लौटकर अपने ठिकाने पहुंचती है, समझो कि उसी के साथ पूरों की आत्मा भी ठिकाने पहुंच गई।
Yeah.